कुलदीप सिंह सेंगर को अदालत ने पुलिस कस्टडी में भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दे दी है। कुलदीप सेंगर को भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पुलिस हिरासत में उन्नाव लाया जाएगा। अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद पुलिस उन्हें वापस तिहाड़ जेल ले जाएगी। मनोज सेंगर के खिलाफ भी पीड़िता के सड़क हादसे की घटना में CBI में मुकदमा दर्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। ये लगातार छठा मौका था जब PM दिवाली के दिन सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई, जहां उन्होंने भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात जवानों को दिवाली का तोहफा दिया और अपने हाथों से उन्हें मिठाई खिलाकर इस त्योहार की बधाई दी। इसके अलावा उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। PM को अपने बीच पाकर जवान भी जोश में दिखाई दिए। वहीं एक महिला सैनिक ने देशभक्ति गीत गाए। इस दौरान PM ने जवानों की जमकर तारीफ की और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बताया। हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि दीपावली अपने परिवार जनों के बीच में मनानी चाहिए, और इसलिए मैंने भी नियम बनाया है कि मैं भी दिवाली मेरे परिवार जनों के बीच में मनाऊं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद PM पहली बार जम्मू कश्मीर में बॉर्डर के किसी इलाके में पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी से प्रधानमंत्री मोदी ने POK पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि POK पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भारत की पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश की, लेकिन देश के जवानों ने उनके मंसूबों को चकनाचूर कर दिया। इतना ही नहीं, PM मोदी ने यह भी कहा कि POK की कसक अब भी उनके दिल में है। आज का दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, एक प्रकार से स्वर्णिम दिवस है। जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र किए, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, और उन्होंने जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए ये षड्यंत्र किए, लेकिन मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया, और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा, कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ, और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। भारत कभी भी किसी को अपना रुबाब नहीं दिखाता, बयानबाजी में हम उलझते नहीं है, इसलिए नहीं कि हमको बोलना नहीं आता, इसलिए नहीं कि बोलने के लिए हमारे पास मुद्दे नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां ऐसे वीर जवान खड़े हो,